इन्हें मंत्रा कहें कि मिसेस डीसा, कड़क सासुमा कहें कि आनंद की सीनियर नर्स। जी हाँ, ये दास्तां है मशहूर मारुफ अभिनेत्री ललिता पवार की। अरे 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 बस करा, अजून कडल कोरला। अरे बाबा क्या गड़बड़ घोटाला है, मेरे को भी बोलो। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल सन 1916 में हुआ। इनका जन्म का नाम था अम्बा लक्ष्मण राव शगुन। ये महाराष्ट्र के नासिक शहर के येवला इलाके में जन्मी थीं। इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने मात्र 9 बरस की उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया था। 1928 की फिल्म राजा हरिश्चंद्र में ये नजर आई थीं। और मूक फिल्मों के दौर में बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। इन्होंने 70 बरस की लंबी एक्टिंग की पारी खेली। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्यों मुझे मुर्दाबाद कर रहे हो? दादी तुम बिल्कुल झूठ कह रही थी कि माँ हमें बिल्ली की तरह दबोच लेगी। माँ तो बड़ी अच्छी है, हमें प्यार करती है। डैन तो तुम हो, बिल्ली की तरह तुम दबोचती हो, चूल्हे की लकड़ी तुम दिखाती हो। दादी की मत करे। उस जमाने में एक ही साल में तकरीबन ये एक दर्जन फिल्में कर लिया करती थीं। 1934 में इन्होंने टॉकी फिल्मों में भी काम शुरू किया था। ललिता पवार ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसलिए इन्होंने घर पे ही एक उर्दू टीचर रखा जिसने इन्हें ये भाषा सिखाई। शास्त्रीय संगीत का भी इन्होंने प्रशिक्षण लिया, क्योंकि उस जमाने में हीरोइन को अपने गाने खुद गाने होते थे और इनकी आवाज वाकई अच्छी थी। इसी वजह से ये बतौर हीरोइन काफी तरक्की कर रही थी। और तभी फिल्म जंगे आजादी की शूटिंग के दौरान एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने एक हीरोइन को एक चरित्र अभिनेत्री बना दिया। अब हम क्या करें, उसके नसीब ही ऐसे। सीन में एक्टर भगवान दादा को इन्हें एक थप्पड़ मारना था। वो थप्पड़ इतना जोर से लगा कि इनकी बाईं आंख पूरी तरह से खत्म हो गई। 3 बरस तक ये फिल्मों में काम न कर सकी। पर चूंकि इनकी आंख ही नहीं थी, इसलिए इन्हें कैरेक्टर रोल्स ही करने पड़े। इनकी उम्र तब मात्र 25 बरस की थी। उस जमाने में राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे हीरोज इनसे उम्र में थोड़े से ही छोटे थे, पर ये उनकी माँ का किरदार निभा रही थी। ललिता पवार का ये कहना भी था, वो दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो थी, लेकिन उसने इनकी जिंदगी के लिए कुछ नए दरवाजे भी खोल दिए। मेरी जिंदगी चली गई इस घर में चिल्लाते चिल्लाते, सब औरतें निकम्मी है, किसी को अकल नहीं। ओहो, सुबह सुबह क्या तूफान मचा रखा है शांता। मुंह धोया नहीं और मुंह चलाना शुरू कर दिया। मुंह तो कभी का धो लिया है, तौलिया नहीं मिल रहा है। इस घर में कोई चीज ठिकाने पर नहीं रही। इन्हें अवार्ड दिए गए, सम्मान दिया गया, प्यार दिया गया और इन्हें 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के अवार्ड से भी नवाजा गया। महान फिल्म मेकर और एक्टर राज कपूर साहब ने जब आर के स्टूडियो की नई बिल्डिंग बनाई तो उनकी इच्छा थी ललिता पवार के हाथों ही उस बिल्डिंग का उद्घाटन हो। क्या बात है, आज तुम्हारी बातों से बहुत प्यार टपक रहा है। क्यों नहीं टपकी, खुशी की खबर। रामानंद सागर के रामायण में इन्होंने जो मंथरा की भूमिका निभाई वो देखते ही बनती थी। और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मिसेस डीसा के किरदार ने तो इन्हें अमर बना दिया। इनकी शादी हुई गणपत राव पवार से। वो शादी इन्हें तोड़नी पड़ी क्योंकि इन्हें पता चला इनके पति का रोमांस इनकी छोटी बहन के साथ चल रहा है। बाद में इनकी शादी हुई फिल्म प्रोड्यूसर राज प्रकाश गुप्ता से, जबकि बॉम्बे के अंबिका स्टूडियो से ताल्लुक रखते थे। इस शादी से इन्हें एक बेटा भी हुआ। ललिता पवार की मृत्यु हुई 24 फरवरी सन 1998 में। महाराष्ट्र के पुणे शहर के औंध इलाके में इन्होंने आखिरी सांसें ली। यकीनन ललिता पवार जैसी अभिनेत्री एक ही बार जन्म लेती है। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।